टीवी 9 भारतवर्ष आप देख रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बिहार में सेकंड और फाइनल राउंड बहुत नजदीक आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बिहार के दौरे पर भी जाने वाले हैं। मुस्लिम वोटर्स के गढ़ सीमांचल में 3 नवंबर को जाकर प्रधानमंत्री एक बार फिर लोगों में जोश भरेंगे। वहीं ओवैसी भी रात दिन सीमांचल में घूम रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि इस बार किधर जाएंगे बिहार के मुसलमान, अब की बार किस पर भरोसा करेंगे सीमांचल के भाईजान। पिछले 10 दिन से टीवी 9 भारतवर्ष का कारवा बिहार के हर उस इलाके में जाकर मुस्लिम मूड मीटर को समझने की कोशिश कर रहा है, जहां पर मुसलमानों का खासा दबदबा है। और अपने इसी सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे MY समीकरण को तय करने वाली पूर्णिया की सरजमी पर। तो सीमांचल के भाईजान किसको दे रहे हैं जीत का पैगाम, एम फैक्टर देखिए सीधे पूर्णिया से। सीमांचल को बदनाम करने के लिए कहा गया घुसपैठी है। बताओ क्या तुम घुसपैठी हो? हम जानते हैं कि तुम्हारी साजिश यही है कि CAA NPR को इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को, भारत के दलितों को, भारत के आदिवासियों को, भारत के उन गरीबों को जिनके पास कागज नहीं, उनको परेशान किया जाए। बिहार के मिनी दार्जिलिंग कहे जाने वाले पूर्णिया की सरजमी से सीमांचल की सियासत का मूड मीटर नापा जाता है। यूं तो हिंदी सिनेमा को तीसरी कसम फिल्म के हीरामन जैसे खांटी पूरबिया चरित्र देने वाले कालजयी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की वजह से पूर्णिया की पहचान बुलंदी पर रही है, लेकिन आज की तारीख में पूर्णिया की पुरानी पहचान चुनावी वादों और सियासी नारों के शोर और धुंध में खो गई है। आज सड़कों पर लिखे तो सैकड़ों नारे न देख, पर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। राख कितनी राख है चारों तरफ फैली हुई, राख की चिंगारियां तू देख अंगारे न देख। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं कथा शिल्प के महान शिल्पकार फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि पूर्णिया में। फिलहाल यहाँ का मौसम चुनावी है और हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने, बूझने और समझने के लिए कि क्या है यहाँ का सियासी तापमान और यहाँ के चुनाव में किसके होंगे पूर्णिया के मुस्लिम भाईजान। शहरी और ग्रामीण आबादी के लिहाज से पूर्णिया बिहार का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इस लिहाज से चुनाव के दौरान पूर्णिया सीट की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। सीमांचल का केंद्र होने और इस इलाके में करीब 35% मुसलमान वोटर के दबदबे की वजह से असदुद्दीन ओवैसी भी पिछले कई चुनावों से पूर्वी बिहार के इस हिस्से में चक्कर लगा रहे हैं। इस बार क्या यहां ओवैसी की दाल गलेगी? इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया के भट्टा बाजार में और सवाल यही कि आखिर किसके होंगे पूर्णिया के मुस्लिम भाईजान। तो मेहताब साहब, ये बताइए, आपके इलाके में ओवैसी साहब बहुत चक्कर लगा रहे हैं इस पूरे इलाके में सीमांचल में। मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ओवैसी साहब का दाल नहीं गलेगा यहाँ पे, कि सीमांचल के मुसलमान काफ़ी फॉरवर्ड हैं और उनका सोच ओवैसी से नहीं मिलता। ओवैसी कट्टरवादी हैं, ये हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं ओवैसी के, तो इनको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अच्छा, एक बात हमने और देखा है कि ओवैसी साहब जब आते हैं तो वो सीमांचल में ही अपने उम्मीदवार उतारते हैं और कहीं नहीं जाते हैं, जो आपका इलाका है पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। हाँ, ये इनका भ्रम है कि मुसलमान, देश के मुसलमान उनके साथ हैं, लेकिन देश के मुसलमान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में है और नीतीश कुमार के साथ साथ देश का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं। आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी के साथ है देश का मुसलमान। जी, इतना बड़ा हंगामा हुआ CAA और NRC के ऊपर, कैसे कह सकते हैं आप मोदी जी के साथ हैं मुसलमान? ये तो विपक्ष की चाल है ना, CAA NRC के बारे में गलत ढंग से पेश किया गया, लोगों को बड़गलाया गया, ये विपक्ष की चाल है। MY समीकरण के बारे में आप क्या समीकरण, लालू यादव का 15 साल राज रहा, क्या हाल था बिहार का? क्या आप बताइएगा, मैं तो दिल्ली का। क्या हाल था पूर्णिया की धरती का आज के डेट में? जो है नीतीश कुमार भाजपा की सरकार है,
तो आराम से 12 बजे रात हो 1 बजे रात हो आराम से घूमते हैं, आराम से टहलते हैं। और जब राजद की सरकार थी तो क्या हाल था, शाम के 6 बजे नहीं घूम पाते थे आप। तो आजम साहब किधर चलेंगे, उत्तर प्रदेश वाले आजम साहब की तरफ या कहीं और जाने का इरादा है? हम लोग तो शुरू से ही निया के साथ जो विकास कर रहे हैं उनके साथ हैं। हम लोग बिहार के जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके साथ हैं। मोदी जी भी उनके साथ? जी जी, दोनों का सेम चीज़ है। मोदी जी का है सबका साथ सबका विकास, और नीतीश जी का है निया के साथ विकास, दोनों का साथ मिल के चल रहा है। पूर्णिया के साथ कितना न्याय हुआ है पिछले 15 साल में? जी, पूर्णिया के साथ भी विकास हुआ, आज एजुकेशन हब बनने जा रहा है, ये नीतीश कुमार का ही देन। क्या, क्या 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 बनने जा रहा है? अब इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। लेकिन आपके मदरसे तो बहुत सारे राज्यों में बंद किए जा रहे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है। ऐसा नहीं है, असम में देखिए मदरसों को बंद करने की। अब जहाँ गलत तरीके से लोग चला रहे हैं वो तो बंद होगा ही ना, जो सेटिस्फाइड तरीका से चला रहे हैं वो चल रहा है। गलत तरीके से क्या चलता है मदरसा? जैसे स्कूल सब देख लीजिए, जो गलत ढंग से स्कूल चलाता है तो स्कूल बंद कर दिया जाता है। मदरसा में क्या गलत हो सकता है, वहाँ तो पढ़ाया जाता है। अब जैसे गलत कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जैसे कोई मदरसा खोला, अब उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन नहीं कीजिएगा, बगैर रजिस्ट्रेशन का चलाइएगा, कल के डेट में कोई घटना घट जाएगी तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार। ये भी देखा गया है, कभी कभी बहुत सारी खबरें आती हैं कि कुछ आतंकियों को पनाह दे दिया जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमेशा मुसलमानों जो है हिंदुस्तान के साथ रहा है, और पहले भी बापू जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुस्लिम, और अगर एक आंख फोड़ दी जाए तो जो है हिंदुस्तान मतलब जो है अंधा हो जाएंगे। पूर्णिया बीजेपी का मजबूत किला है, पिछले 6 चुनावों से लगातार यहां बीजेपी का भगवा पताका फहरा रहा है। कभी लाल सलाम और लाल झंडे का भी यहां परचम था। कांग्रेस यहां पिछले 50 सालों से जीत की राह देख रही है। हाथों में लालू की लालटेन थामकर कांग्रेस इस बार भी बीजेपी के खिलाफ यहां दांव लगा रही है। लेकिन पूर्णिया के लाइन बाजार के मुसलमानों का भरोसा जीत पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं दिख रहा। इस वक्त हम छोटी मस्जिद लाइन बाजार के पास पहुंच गए हैं। मस्जिद के ठीक सामने मेरी मुलाकात अखलाक भाई से हुई है। वोट मांग रहे हैं, अब वक्त आ गया, किधर जाएंगे अपने अखलाक भाई? सर, जब इलेक्शन आता है तो नेता तो खुद मांगते हैं, फिर बीच में जो है जनता को भूल जाते हैं। तो ये बताइए, चुनाव में वोट तो आप देंगे ही, तो किसके बनेंगे आप भाईजान? अब देखिए सर, ये अब तो अभी सोचे नहीं है, लेकिन जैसा लगेगा उस तरह से दिखा जाएगा। तो राशन कार्ड नहीं बना, इसका गुस्सा आपके वोट में नहीं निकलेगा? जरूर निकलेगा सर, दो बार हम जो है अप्लाई किए, दौड़ बढ़ा किए वार्ड कमिश्नर के यहाँ, और जो है तो इसी सरकार से, अभी जो सरकार है उससे आप खुश हैं या नाराज हैं? सर, कोई फायदा ही नहीं लगा तो हम नाराज तो हैं ही, खुश के कोई खुशी ही नहीं मिली, कोई खुशी नहीं मिली इस सरकार में। जी, तो अब खुशी कैसे ढूंढेंगे आप? एक बात और सर, जैसे कि अब हम ब्लेंड हैं और इस तरह से कोई योजना है, जैसे कि अब वो शादी ब्याह हो गया तो उसका जो है वो 50,000 रुपया अनुदान मिलेगा सरकार की तरफ से, तो हम ये फार्म भरे और इतना दिन दौड़ बढ़ा किए हैं, बोला कि हो गया, अभी तक जो है कोई ये नहीं हुआ। तो ये अखलाक भाई कह रहे हैं कि मैंने जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसकी लाभ लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे मिला नहीं, राशन कार्ड मिला नहीं। अब नेता अपने राशन के लिए हमारे पास आ रहे हैं चुनाव के वक्त में, तो अब ये अपना गुस्सा निकालने के लिए तैयार हैं। और बाबा, क्या नाम, नाम क्या है? मोहम्मद सलीम। क्या वोट आ गया है, वोट में क्या सोचे हैं पूर्णिया में? इधर तो देने का है लालू यादव। क्या तेज बोलिए बाबा, ना देने का है लालू यादव, लालू यादव को देने का है। लेकिन ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं वोट देते के वक्त मजहब भी सामने आ जाता है, क्या मजहब की कोई दीवार होती है वोट देते वक्त? हमारे पास तो ऐसी बात नहीं, काम करने वाले को हम चाहते हैं, जो काम नहीं करता उसको नहीं चाहते। अब इस बार वोट में किसकी तरफ जाएंगे आप? देखिए, अब लोगों का क्या रुझान रहता है अभी, एक 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 युवा नेतृत्व आ रहा है, जवान लड़का है, और दूसरी तरफ वो है जो 15 साल से सरकार में। वो जो जवान लड़का है, लोगों को कोशिश करेंगे उसी को देने के लिए वोट, युवा नेतृत्व को चाहेंगे, इसलिए कि चाहेंगे, इसलिए कि नया ही लोग, इसलिए पुराना लोग जितना है सब माल बटोरने के चक्कर में रहता है, नया है इसको काम दिखाने का चक्कर होगा। अच्छा अच्छा, आप भी पुराने हो गए, कितना माल बटोरे? नहीं, हमारे पास कोई माल नहीं है, समझे कि नहीं, हम लोग तो खाली हो गए लॉकडाउन में, सब खाली हो गए। तो पुराने लोग भी नए लोगों को ढूंढ रहे हैं? हाँ, नए लोग। अच्छा, तो युवा नेतृत्व चाहते हैं चाचा, कुछ युवा लोग पीछे खड़े हैं, देखते हैं
हाँ आलम भाई किधर जाएंगे, तेज तर्रार सरकार या फिर सुशासन बाबू? ये तो मेरा प्रश्न है, मैं नाम नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कुछ मुद्दे तो होंगे ना आपके, कोई नाराजगी होगी या तो है, आप भी समझ ही रहे होंगे, मैं तो बता रहा हूँ कि आप रोड पे आप 3 महीना पहले नहीं आ पाते, तो आप तो मुद्दा तो खुद समझ रहे होंगे मेरा, मेरे दिल में क्या चल रहा। तो पिछली सरकार से आप, पिछली सरकार से पहले का शुरू का 2-4-5 साल ठीक था, लेकिन इधर तो हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और खासकर अंकल जी जब अपनी पुरानी सरकार को बदल के रातों रात दूसरी सरकार में चले गए, मतलब तो हमको लगता है वो बीजेपी के साथ चले, हाँ बीजेपी के साथ चले, वो अपने आप में मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे, वो ये एक नाराजगी की वजह है। ये नाराजगी की वजह तो पूरे बिहार देख रहा है, हम क्या देखेंगे, वो आप लोग भी देख रहे हैं कि मीडिया, हम लोग का पूरा आप ही लोगों के थ्रू से देख रहे हैं कि मीडिया में कैसे कैसे लोग चचा जी को कैसे कैसे, उनके नेता को कैसे कैसे दोहरा रहे हैं, ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं, तो आप ही लोग दिखा रहे हैं। चलिए तो आलम भाई की नाराजगी है, वैसे ये कह रहे हैं कि मतदान गुप्त होता है, लेकिन इन्होंने इशारों में बता दिया कि किधर हैं आलम भाई, और ये चचा जी बुला रहे हैं। आपको बता देते हैं तेजस्वी यादव भी उन्हें चचा जी ही बुलाते हैं, समझ गए होंगे आप किनकी बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णिया के बहुत से भाईजान सुशासन बाबू को अंकल क्यों कह रहे हैं ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो साफ है कि वो नीतीश के बीजेपी का दामन थामने से खफा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आलम भाई की तरह पूर्णिया के दूसरे मुसलमान भी नीतीश और मोदी के गठबंधन से नाखुश हैं? जलेबी की तरह टेढ़े इस सवाल का जवाब मिला लाइन बाजार में ही एक दुकान पर। इस वक्त लाइन बाजार में ही आगे चलते हुए हम पहुंच गए हैं, राजा निजाम होटल है, गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जलेबी की मिठास तो यहाँ के लोगों को मिल ही रही है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का सियासी तापमान कैसा है। लग रहा है इस बार भी मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे? हाँ जी, लड़ तो नीतीश कुमार रहे हैं, मोदी जी साथ में हैं। हाँ साथ में हैं, उन्हीं का पार्टी मतलब भी जीतेगा। क्या नाम बताया आपने? मासूम, एमडी मासूम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्हीं की पार्टी जीतेगी? जिस वजह से काम उनका अच्छा चल रहा है, देश के प्रति अच्छा उनका चल रहा है, इस वजह से उनका पार्टी को ज्यादा सहयोग कर रहा जा रहा है इस तरफ। पूर्णिया के लाइन बाजार में यहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी है, ये कहा जाता है कि अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ नहीं है, वोट बर्बाद करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, वोट बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम जानते हैं कि को क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि भाई वही निकला पार्टी बीजेपी ही निकल सकता है, तो पार्टी नहीं निकलेगा। ये बताइए चुनाव में आपके दुख कौन हरेगा? मोदी जीतेगा। मोदी मोदी जीतेगा? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मोदी जीतेगा। आते हैं आपके पास, उधर आते हैं। ये बताइए मोदी क्यों जीतेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? मोदी भारत का काम किया, काम करके दिखाया। क्या काम किया? पूरा रोड बनाया, सब चीज जो पब्लिक का पूरा, आपका तो पूरा ये सड़क टूटा हुआ है, रोड बनावेगा, उधर से बनाते आ रहा। पूर्णिया के लाइन बाजार में ही बहुत से मुसलमान पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जुगलबंदी से मुतमईन दिखे, लेकिन पूर्णिया के भाईजान की नब्ज को हमें दूसरे इलाकों में जाकर भी टटोलना जरूरी था, इसलिए हमने यहाँ के मुसलमानों के एक बड़े मरकज अरबिया कॉलेज और अरबी मस्जिद का रुख किया। पूर्णिया की लाइन बाजार से आगे निकलते हुए इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अरबिया कॉलेज पूर्णिया में, यहाँ पे अरबी की पढ़ाई होती है, लेकिन हम यहाँ पे पहुंचे हैं एम फैक्टर क्या कहता है, क्या है यहाँ के मुस्लिम भाईजान का मूड मीटर, तो आइए चलते हैं अरबिया कॉलेज में और बात करते हैं यहाँ के लोगों से, और चलते चलते दुष्यंत कुमार की दो लाइनें, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें अब भी यकीन नहीं। चुनाव के वक्त वोट डालते वक्त मजहब कोई मुद्दा होता है? कोई नहीं, ये धर्म मजहब के नाम पर लोगों को बंटवारा करना ऐसे ही है जैसे कि गुलाब की पत्तियों को तोड़ करके उसके खूबसूरती को लोग बिखेरना चाहते हैं। कुछ एक आदत शेर के माध्यम से अगर कहें, आप सूफिज्म की बात कर रहे हैं। नबियों के अंजुमन में इंतखाब आया, हर शख्स पुकार उठा, गुलाब आया गुलाब आया। पूर्णिया के जो भाईजान हैं, जो मुसलमान हैं, वो किस मुद्दे पे वोट करेंगे? देखिए समझ अपनी अपनी है, ख्याल अपना अपना है, लेकिन हम इधर 10-15 दिन से सिर पे पानी हेल के यूं तैर के नहीं आते, वरना गंदे नाली में
हम आते थे नमाज पढ़ाने के लिए, यहाँ कपड़े बदलने पड़ते थे, ये पूरे इलाके में पानी पानी था। और यहाँ तक अफसोस की बात है, यहाँ का जो भी मेयर हो, जो भी पार्टी ताल्लुकात रखता हो, जब पानी सूखने लगा तो मैंने अखबार में पढ़ा कि अब यानी भाड़े के मशीन से पानी सुखाया जाए, यानी सूरज की रोशनी से पानी सुखाया जाएगा और बिल हम उठाएंगे। जब पूर्णिया का मेयर हो, नगर निगम, सीधी सी बात है, अभी की जो वर्तमान हुकूमत है, हमको सहूलत चाहिए। अभी के वर्तमान हुकूमत से कोई बात बनाइए, राष्ट्रवाद बनाइए, बकरी बात बनाइए, हमको तरक्की दीजिए, सहूलत दीजिए, तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, नाला सफाई दीजिए, किताब और तालीम का पूरा यह दीजिए, और जो तो पढ़ते हैं उसको कोई अच्छा। आपने अपनी बात बोली, इस पे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आपने कहा हमें कोई मजहब वजहब का कोई मुद्दा नहीं है, मुझे तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य दीजिए, सहूलियत दीजिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, बिजली आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो आप तैयार है वो सहूलियत दे रहे हैं? तो देखिए, आंखों से देखिए ना क्या जाल बिछाया है, कितनी गाड़ी तो गिर गई। तो मतलब वो उनके जो दावे हैं वो झूठे हैं? झूठ ही नहीं, वो कहिए कि झूठ की सड़ी हुई टमाटर है वो। अच्छा, झूठ की सड़ी। अभी एक नए नेता है, तेज तर्रार तेजस्वी सरकार। देखिए भाई, उससे भी लोगों को डर लगता है। अच्छा, उससे भी डर लगता है, इसलिए कि उसने अकरवा परस्ती की, उर्दू हो क्या बोलते हैं जो परिवारवाद जिसको बोलते हैं। अगर वो नए जहन लेकर के आते हैं, इखलास है दिलों में, तो किसी का भी इस तरह से स्वागत है। पूर्णिया की एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ नेपाल है। इस्तकबाल यहाँ सबका होता है, लेकिन ये मिनी दार्जिलिंग कभी काले पानी के अंचल के रूप में भी कुख्यात था। अब यहाँ का मुस्लिम वोटर किसे पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बिठाएगा और किसे देगा काले पानी की सजा, इसे नौजवान मुसलमानों से बेहतर कोई नहीं बता सकता। और जहाँ तक बात रही मतलब नीतीश कुमार की, तो उन्होंने, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, तो उन्होंने 3 साल से हर जुलूस में जो है ना वो नारा लगाते हैं 30,000 इंजीनियर, मतलब हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने निकाला सिर्फ 5,000, सारे इंजीनियर बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा है रोजगार, जो रोजगार की बात करेगा वोट हमारा उसी को। कौन कर रहा है रोजगार की बात इसमें? अभी फिलहाल तो मतलब तेजस्वी कर रहे हैं। बीजेपी के इस मजबूत किले में कई जगहों पर हमें तेजस्वी का भी तेज नजर आया। मोदी और नीतीश के काम से मुतमईन होने के बावजूद मैला आंचल की जन्मभूमि पूर्णिया के भाईजान विकास और रोजगार की राह देख रहे हैं, और यही यहां बड़े मुद्दे भी हैं। तो ये आप देख रहे थे हमारे साथ पूर्णिया से एम फैक्टर। फिर मुलाकात होगी किसी और जगह, लेकिन जाते जाते दो लाइन, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस स्याह समंदर से कोई नूर निकलेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।